नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मुकेश भाटी और आप देख रहे हैं कंटेक यूट्यूब चैनल दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एप्पल की तरफ़ से आई ओ एस फोर्टीन रिलीज़ हो चुका है जो कि इसका एक न्यू लेटेस्ट अपडेट वर्जन है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कमाल के फीचर मिल जाते हैं तो आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में वो सारे फीचर कैसे यूज़ करें और अपने एंड्रॉयड डिवाइस को टोटली आईफोन में कैसे कन्वर्ट करें तो जानने के लिए चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारे फ़ीचर्स यूज़ करना चाहते हैं या फिर अपने एंड्रॉयड डिवाइस को आईफोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखिए ताकि सारे स्टेप आपको समझ में आ जाए और आप ये सारे फ़ीचर यूज़ कर पाओ तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इसके क्या क्या फीचर अपने एंड्रॉइड डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए हम बेसिक फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जो इंटरफेस है यूजर इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं वो बिल्कुल आईफोन जैसा मिलता है आपको साथ के साथ जो आपका आइकन पैक है वो भी आईफोन वाला ही मिल जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की जो कि बहुत ज़्यादा कमाल है तो सबसे पहले जो पहला फीचर है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्विक वॉल मिल जाती है जो आपको हर आईफोन डिवाइस में देखने के लिए मिल जाएगी आप इस पर सिंपली टैप करेंगे तो यहाँ पे वही आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा जो कि एक आईफोन में होता है और फीचर भी आपको सेम ही मिलेंगे यहाँ पर आप कोई भी अपने फ़ोन की जो क्विक सेटिंग है वो यहाँ से एसेज कर सकते हैं साथ के साथ आपको यहाँ पे होम बटन का ऑप्शन मिल जाता है या फिर रिसेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है तो आप इस तरह से इस बटन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि बिल्कुल आईफोन जैसा है तो ये फीचर इसमें बहुत ज़्यादा कमाल का है तो दोस्तों दूसरे फीचर की अगर हम बात करें तो दूसरा फीचर है इसमें नोटिफिकेशन सेंटर या फिर कंट्रोल सेंटर अगर आप राइट साइड से स्वैप डाउन करोगे तो यहाँ से आपको एक कंट्रोल सेंटर देखने के मिल जाएगा जहाँ से आप अपने फ़ोन की शॉर्टकट कंट्रोल सेंटर के फीचर को यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर आपको ब्राइटनेस का या फिर वॉल्यूम का सारे फीचर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल आई ओ के जैसे हैं देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगर आप इसे लेफ्ट साइड से डाउन करोगे तो यहाँ से आपको एक नोटिफिकेशन सेंटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें Facebook, Twitter, की आपके व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर यानी कि आपके फ़ोन में जितनी भी नोटिफिकेशन है आप यहाँ से उन्हें ऐसेज कर पाओगे दोस्तों तीसरे अगर फीचर की बात करें तो जैसे आप अपने स्क्रीन पर स्वेप डाउन करोगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप सर्च का कई बार क्या होता है हमारे फ़ोन में बहुत सारी अप्लीकेशन होती हैं और हम कोई ऐप खोलना चाहते हैं लेकिन वो हमें मिलती नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली ऐप का नाम डाल के आप उसे इजीली सर्च कर सकते हो सर्च करके उसे यूज़ कर सकते हो तो ये फीचर भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा जो कि आई वी में अभी लेटेस्ट अपडेट में आया है दोस्तों चौथा जो फीचर है उसका नाम है ऐप वॉलेट जो कि हमारे फ़ोन में भी होता है लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो वो आईफोन वाला आपको ऐप वॉलेट देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे आपको आपके वेदर या फिर बहुत सारे जो आपके ऐप हैं जिन्हें आप रिसेंटली यूज़ करते हो या फिर यूजफुल ऐप हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे सिंपल उन्हें यहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर पाओगे और इसका जो पांचवा फीचर है वो ये है कि जैसे कि आप अगर किसी ऐप पे होल्ड करके कर रखोगे तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाएगा इसे हम ब्लर इफ़ेक्ट भी बोल सकते हैं और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने हाईलाइट हो जाएंगी जो कि आई 14 में होती है तो ये फ़ीचर भी आई 14 का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपने एंड्रॉयड डिवाइस को आईफोन में कैसे कन्वर्ट करें ताकि ये सारे फीचर अपने फोन में यूज़ कर पाएँ तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप मेरी लिंक से उस ऐप को डाउनलोड करें अगर आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो आपके सामने बहुत सारी ऐप्स खुल के आ जाएंगी इनमें से आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो बेटर यही रहेगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएँ वहाँ से दी गई लिंक को ओपन करें जो आपको रीडायरेक्ट कर देगी प्ले स्टोर में वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर लें तो इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है तो इस वीडियो को यहाँ से आप बिना स्किप के ध्यान से देखना तो जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो सिंपली इसके बाद आपको करना है इसे ओपन ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिख जाएगा तो सबसे पहले इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इस पर आपको गेट स्टार्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ से आप अपना वाल पेपर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने फ़ोन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छे अच्छे आपको वाल पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे तो सिंपली मैं पहले वाला वाल पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपसे ये परमिशन मांग लेगा तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है जितनी भी ये परमिशन मांगे आप सारी परमिशन अलाउ कर देना अलाउ करने के बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है ओके एनेबल नाउ का तो सिंपली आप इसे एनेबल नाउ पे कर देंगे जैसे आप इस तो पर करेंगे तो आपको यहाँ पे एक परमिशन और देनी होगी सिंपली आप उसे भी यहाँ से ऑन कर देंगे ऑन करने के बाद आपको आ जाना है बैक बैक आने के बाद इसका जो अगला स्टेप वो आपके सामने खुल जाएगा और इसको भी आपको एनेबल नाउ पर कर देना है ठीक है यहाँ से आपको ये ऑप्शन आपको जो लॉन्चर है मिल जाएगा इसके ऑप्शन को आप क्लिक करके अलाउ कर दीजिए अलाउ करने के बाद सिंपली आपको आ जाना है फिर से बैक बैक आने के बाद इसका अगला स्टेप है थीम का यहाँ से आप अपनी कोई भी यहाँ पे दो आपको थीम का ऑप्शन मिल जाता है तो इनमें से कोई भी थीम आप सिलेक्ट कर सकते हो तो मैं अभी पहली थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा फुल स्क्रीन यानी कि हाइड नेटविगेशन बार यानी कि अगर आप अपने बटन जो हमारे फ़ोन में नेविगेशन की होते हैं उन्हें हाइड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप राइट कर देंगे तो मैं ऑलवेज़ इन्हें हाइड रखता हूँ तो इसलिए मैं राइट कर देता हूँ राइट करने के बाद सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आई एस लॉन्चर है वो आपके सामने ऑन हो जाएगा ठीक है तो ऑन होने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन देगा जिन्हें आपको फॉलो करना है और इसे यूज कैसे करना है वो ये आप बताएगा तो आप सिंपली ये कर सकते हो ठीक है तो इसके बाद ये आपके सामने ओपन हो चुका है अब जैसे ओपन होगा तो इसका एक और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा सेट आई एस लॉन्चर एज डिफ़ॉल्ट होम तो आपको इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना है सेट एज़ डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको क्या क्या करना है तो सिंपली वो परमिशन आप यहाँ से अलाउ कर दीजिए ठीक है यहाँ पे जो लॉन्चर का ऑप्शन है सिंपली उस पर क्लिक करके आप आई एस ओ लॉन्चर पर क्लिक कर, कर दीजिए तो ये आपका डिफॉल्ट सेट हो जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप इसे अपने फ़ोन में एनेबल कर सकते हो और अपने फ़ोन को आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हो और इसके बाद आप अगर आप इसमें कुछ, कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आई यू एस सेटिंग का वहाँ पर जाके आप इस लॉन्चर की कस्टमाइजेशन कर सकते हो कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन मैनेजर या फिर बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो जो आपको ठीक लगे वो यहाँ से आप कस्टमाइज़ करके एडजस्ट कर सकते हो तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले और वीडियो के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद